के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। तीन राज्यों में मिली जीत से गदगद हुए कांग्रेसी, ढोल नगाड़े की धुन पर किया भांगड़ा, मिठाई बांट कर मनाई खुशियां, भाजपा के कार्यालय पर पसरा रहा सन्नाटा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। बिना परमिट के चलने वाले ऑटो और तीन सवारी बाइक चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान, किया चालान। राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार वापसी पर कांग्रेस महिला मोर्चा ने मनाया जश्न, की आतिशबाजी, खिलाया लोगों को मिठाई। ऑपरेशन पाठशाला के तहत चिड़ुआताल थाना पर स्कूली छात्रों के साथ शिक्षकों को बताई गई मॉरल पुलिसिंग। रेलवे बोर्ड ने उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे को दिया प्रथम पुरस्कार का, रेल मंत्री राजभाषा चल वैजयंती शील्ड। विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आगामी 13 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन और रैली का किया आह्वान, संविदा कर्मियों को तेलंगाना सरकार की तरह नियमित करने की रखी मांग। उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी आरक्षी भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने मंगलवार को भी पीएससी ग्राउंड में लगाई दौड़, 1628 में से 873 अभ्यर्थी रहे सफल। सर्किट हाउस की सजावट को अब शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक देख सकेंगे आमजन, डेकोरेशन देखने पहुंचे लोगों ने की सजावट की तारीफ। और जीसीएल के जिला क्रिकेट लीग में गेंदबाजों की दम पर उदया पब्लिक स्कूल ने सरदार नगर क्रिकेट एकेडमी को 78 रनों से हराया।